नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव को जो चीजें सबसे प्रिय होती हैं, बेलपत्र का स्थान उसमें सर्वप्रथम है। शिवजी की पूजा में बेलपत्र चढ़ाना सबसे जरूरी होता है, लेकिन बेलपत्र को चढ़ाने में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। आज हम इन्हीं सावधानियों और बेलपत्र के संबंध में जरूरी बातों को आपको बताने जा रहे हैं। कई बार देखने में आता है कि बेलपत्र एक, तीन या फिर पांच पत्र वाला भी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र जितने अधिक पत्र वाला होता है उतना ही अच्छा होता है, इसलिए शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने में कम से कम यह तीन पत्र वाला होना चाहिए। जब यह तीन पत्र पूरे होते हैं तो इसे एक बेलपत्र माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र चुनते वक्त यह देख लें कि बेलपत्र पर अधिक धारियां नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के बहुत से पत्तों पर चक्र और धारियां होती हैं, जिन्हें पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं चक्र और वज्र वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए छांटते वक्त यह देख लें कि बेलपत्र कहीं से भी कटाफटा नहीं होना चाहिए। अगर आप अधिक बेलपत्र नहीं जुटा पाए हैं तो एक बेलपत्र से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह कहीं से भी कटाफटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने में एक बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का जो भाग चिकना हो उसी भाग को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके पास बेलपत्र अधिक नहीं है तो आप एक ही बेलपत्र को पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल चढ़ाए बेलपत्र न चढ़ाएं। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने को लेकर यह नियम बताया गया है कि कभी भी बेलपत्र सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि मंगलवार की पड़ रही है, तो इस बार आपको रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन सोमवार है और उसके अगले दिन चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि है। कहते हैं कि सोमवार और चतुर्दशी तिथि को बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाने वाले से शिवजी अप्रसन्न होते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।